एक एंड्रोजन को छोड़ दो, एक आप उसको छोड़ दो, एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को छोड़ दो, और तो सारे अपने नॉन स्टेरॉयड होते हैं ना, चाहे वो आयोडीन डेरिवेटिव है, चाहे वो पेप्टाइड है, चाहे वो प्रोटीन है, सारे के सारे क्या है, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स है। वैसे भी आप प्रोटीन हार्मोन्स की एक्शन को देख रहे हैं, तो नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स की एक्शन को ही देख रहे हैं, नो डाउट। तो ये बॉडी फ्लूड से नॉर्मल टारगेट सेल तक जाएंगे। अब हार्मोन किससे कंबाइन कर रहा है, टारगेट सेल को क्या ये आराम से क्रॉस करेगा? आंसर है नहीं, क्यों? क्योंकि टारगेट सेल की मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाईलेयर की है। तो हार्मोन कंबाइन करता है अपने रिसेप्टर के साथ। वो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। क्यों, पेपर में क्वेश्चन आ जाए भाई रिसेप्टर की क्यों नीड पड़ी, तो आप बोलोगे रिसेप्टर की नीड इसलिए पड़ी जी क्योंकि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाईलेयर की, और हार्मोन हमारा प्रोटीनिशियस नेचर का, हार्मोन हमारा प्रोटीनिशियस नेचर का है। ये किसको एक्टिवेट कर देगी? ये एक्टिवेट कर देगी जी प्रोटीन को। सुनना ध्यान से, किसको? जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, उस एंजाइम का नाम है एडिनिलेट साइक्लेज। क्या नाम है? एडिनिलेट। सर कहां पे एक्टिवेट कर रही है जी प्रोटीन? एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारा काम हो रहा है। अब हम का अभी हम आप एनसीईआरटी में भी ना साइक्लिक एएमपी की बात कर रहे हो, और साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा सेकेंडरी मैसेंजर है साइक्लिक एएमपी लिखा हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। एक्चुअली एडिनिलेट साइक्लेज हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही एंजाइम एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। अब दिमाग में आता है ना, एएमपी आया कहां से, एएमपी आया कहां से, एटीपी से कौन बनता है एएमपी? एएमपी क्या है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी तो है बॉडी में, जानते हो ना एटीपी कहां कहां से बन के आ रहे हैं। अब एटीपी को कन्वर्जन हो रही है सीएएमपी में, कौन करवा रहा है? एडिनिलेट साइक्लेज। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इस एंजाइम पे, पहले काफी साल पहले इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि एटीपी को किसमें कन्वर्ट करवा रहा है? साइक्लिक। एक ध्यान सुनना लाइन, खाली एएमपी नहीं, साइक्लिक एएमपी, क्योंकि सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी होता है। कौन होता है? साइक्लिक एएमपी। अब ये साइक्लिक एएमपी कैसे काम करता है? ये जाता है काइनेज प्रोटीन के पास, और उसका नेचर कैसा होता है? प्रोटीनिशियस नेचर। तो ये किसको एक्टिवेट करता है साइक्लिक एएमपी? प्रोटीन काइनेस को। हमने कहा जी कि साइक्लिक एएमपी ने एक्टिवेट कर दिया प्रोटीन काइनेस को। अब ये एंजाइम्स एक्टिवेट कर रहे हैं और प्रोटीन सबस्ट्रेट को, तो धीरे धीरे सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो क्या हार्मोन ने खुद चेंज करवाया? नहीं, प्रोटीन हार्मोन खुद नहीं गया, प्रोटीन हार्मोन ने सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू चेंज करवाया। अब एनसीईआरटी को लास्ट पेज खोलो एक बारी, प्रोटीन हार्मोन खुद नहीं जा रहे काम करवाने, वो किसको करवा रहे हैं काम? सेकेंडरी मैसेंजर से। हमने एग्जांपल लिया सेकेंडरी मैसेंजर सीएमपी का, सेकेंडरी मैसेंजर तो एक और भी पढ़ा था आईपी3। अब धीरे धीरे क्या होगी, सेल में चेंजेस होएंगे, हार्मोन का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिस प्रकार का हार्मोन उस तरीके के क्या लेके आएगा, ये इफेक्ट लेके आएगा। देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है, देख के बताओ ये दिख रही है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर? साफ साफ पता लग रहा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये, है ना। विद इन द सेल मेम्ब्रेन एटीपी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सीएमपी में। किसकी हेल्प से? एडिनिलेट साइक्लेज की हेल्प से। अब ये किसको कर रहा है? इनएक्टिवेट प्रोटीन काइनेज को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। फिर एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज क्या कर रहा है? जो भी रिस्पॉन्स था ना टारगेट सेल में, उसको ट्रिगर कर रहा है, बढ़ा रहा है। जो भी रिस्पॉन्स हार्मोन लेके आया था ना, कोई हार्मोन कह रहा था फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाओ, तो ये कहता कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी काम कराओ सारा का सारा। किसी एंजाइम को एक्टिवेट करना, तो उस एंजाइम को एक्टिवेट करवा रहा है। अब कौन कौन से इसके अंदर एग्जाम्पल आ सकते हैं? एनसीईआरटी ने सिर्फ ये डायग्राम एफएसएच के लिए बना के दिखा दिया, एफएसएच के लिए बना के दिखाया, वो देखना। सुनो यहाँ पे जरूरी नहीं है नीट में एफएसएच आए, कैटेकोलोमाइन्स आ जाए सेम डायग्राम बनाना है, एसीटीएच आ जाए सेम डायग्राम बनाना है, एफएसएच, एलएच, ग्लूकागोन, पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन, फॉलिकल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कैल्सिटोनिन, और एसीटीएच क्या था? एड्रिनोकोर्टोट्रोपिक हार्मोन। तो कैटेकोलोमाइंस में एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन्स थे। जो एडिना एड्रेनल मेड्यूला जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैटेकोलोमाइंस। चाहिए मेरे पास हुआ है कैटेकोलोमाइंस,
चाहे मेरे पास क्या कहते कॉलमाइन, चाहिए है एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्लूकागोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, सबके लिए सेम ही काम हो रहा है, हार्मोन आ रहा है, हार्मोन आ रहा है, वही सेम रिसेप्टर से कंबाइन कर रहा है, जी था ना जी मेम्ब्रेन प्रोटीन से, पढ़ा था जी मेम्ब्रेन, याद करो ऊपर हमने क्या पढ़ा, मेम्ब्रेन के ऊपर जी प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन किसको एक्टिवेट कर रहा है, एडेनाइलेट साइक्लेस को, और एडेनाइलेट साइक्लेस किसको एक्टिवेट किसको फॉर्म कर रहा है, साइक्लिक एएमपी को, साइक्लिक एएमपी इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिव प्रोटीन काइनेज में कन्वर्ट कर रहा है, और ये प्रोटीन काइनेज जो चेंजेस चाहिए वो चेंजेस कर रहा है। अब मान लो हार्मोन था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवा देगा, तो जोन सा हार्मोन है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, कंट्रोल ऑफ हार्मोन एक्शन। भाई हार्मोन का एक्शन याद है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन कंट्रोल करवा रहे पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी को बढ़ावा देना है, पिट्यूटरी को कहना बस कर, तो मैकेनिज्म पे है फीडबैक, हम कैसा फीडबैक दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, देखो मोस्ट सिक्रीशंस जो ह्यूमन हमारे अंदर ना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होते हैं, क्यों, क्योंकि हार्मोन फालतू में सिक्रीट क्यों होगा, उसका काम ही नहीं है तो, अगर प्रोजेस्टेरोन कोई भी हार्मोन एक्स वाई जेड हार्मोन अगर उसका काम नहीं है तो कोई भी सिक्रीट नहीं होगा, या तो फिर ओवर सिक्रीट हो गया, जरूरत नहीं है तो उसका रेगुलेशन बंद हो जाएगा, तो जो मोस्ट ऑफ सिक्रीशंस है हॉर्मोन्स के वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होएगी, जब भी डिजायर्ड इफेक्ट जो भी आपको चाहिए था हॉर्मोन से वो मान लो हो गया काम, तो एक इनहिबिटरी सिग्नल जाता है, वो इनहिबिटरी सिग्नल में भी हार्मोन हो सकता है, में भी कोई एंजाइम हो सकता है, में भी कोई नर्व इंपल्स हो सकती है, कहाँ से जाता है, टारगेट सेल से एंडोक्राइन ग्लैंड में जाता है, टारगेट सेल से एंडोक्राइन ग्लैंड में जाता है, अब तेरी नीड कोई भी नहीं है। एग्जाम्पल दू, 14 डे पे ध्यान से देखो एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ा, ओव्यूलेशन होते सीधा आ गए वो अकल पे ठिकाने लग गए, क्यों, फटाफट मैसेज गया टारगेट सेल से, सारे काम ओवरी के अंदर हो रहा है ना, टारगेट सेल ओवरी होगी, मैसेज कहाँ गए हाइपोथैलेमस के पास कि इसके सिक्रीशन को रोको, इसके सिक्रीशन को रोको, समझ गए, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ डिजायर्ड काम हुआ, डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो गया मैकेनिज्म, अभी किसी काम का नहीं है, क्या करता है, ओव्यूलेशन करता है, हो गया वो काम, बंद करो इसको अब, तो जैसे डिजायर्ड इफेक्ट हुआ एलएचएफएसएच का खात्मा, तो वो हॉर्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं अपने टारगेट सेल पर डायरेक्टली चले जाते हैं, उनको बोलते हैं नॉन ट्रॉपिक हॉर्मोन्स, क्या बोलते हैं नॉन ट्रॉपिक हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन से सिक्रीट हुए, जहां जाके टारगेट करना था वहीं जाके टारगेट किया, रास्ते में किसी को नहीं देखा, अब हॉर्मोन्स एंडोक्राइन, जैसे हम पिट्यूटरी की बात करते हैं, पिट्यूटरी से ना टीएसएच रिलीज होता है, एग्जाम्पल के तौर पे कौन था टीएसएच, हॉर्मोन है खुद, वो फिर जा रहा है थायराइड पे, और फिर किसके सिक्रीशन करवा रहा है, थायराइड हॉर्मोन्स का, अब इस लाइन को पढ़ो, हॉर्मोन्स जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं वो दूसरे एंडोक्राइन में जा रहे हैं और सेकंड हॉर्मोन्स के सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, एक्चुअली फिर थायराइड के हॉर्मोन्स बॉडी में एक्ट करेंगे जो करने हैं, समझो इस चीज को, खुद एक्ट नहीं कर रहे थायराइड हॉर्मोन की तरह, हाँ, तो उन हॉर्मोन्स को बोलते हैं हम ट्रॉपिक हॉर्मोन्स, तो पेपर में आ जाए क्या ACTH ट्रॉपिक हॉर्मोन है, हाँ जी है, क्या थायराइड स्टिमुलेटिंग ट्रॉपिक हॉर्मोन है, बिल्कुल है, क्या पिट्यूटरी हॉर्मोन वो ग्रोथ हॉर्मोन ट्रॉपिक है नॉन ट्रॉपिक है, नॉन ट्रॉपिक, सीधा एक्ट कर रहे हैं वो, कुछ हॉर्मोन्स तो ऐसे होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करके जाते हैं भाई अपने टारगेट सेल के लिए, तो एक बार याद रखना जो हॉर्मोन्स बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं अपने टारगेट सेल तक पहुंचने के लिए, वो सर्कुलेट होकर जा रहे हैं ना, कैसे जाएगी हॉर्मोन्स, ब्लड के थ्रू ही जाएंगे, सर्कुलेशन के थ्रू, ये हमने बात किया था, स्टेरॉयडल हॉर्मोन है तो प्रोटीन के साथ बाइंड करके चला जाता है, जाता तो है, अगर कोई प्रोटीन हॉर्मोन है तो फटाफट खुद चला जाता है, तो जो हॉर्मोन्स लॉन्ग डिस्टेंस से जा रहे हैं टारगेट सेल के पास उन हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग हॉर्मोन्स,
या फिर एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, और जो हॉर्मोन्स बिल्कुल छोटे छोटे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं लोकल, वहीं से रिलीज हुए वहीं पे काम कर रहे हैं, जहां से रिलीज हुए वहीं से काम कर रहे हैं। अभी पढ़ा सिक्रेटिन, वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रिलीज हुआ था, वहीं के एंडोक्राइन सेल्स ने रिलीज किया, वहीं पे एक्ट कर दिया गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। लिख लो साथ साथ एग्जांपल यहीं पे। सिक्रेटिन में मैंने क्या पढ़ा, सॉरी गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन का काम दूसरा होता है गैस्ट्रिन। सिक्रेटिन तो सिक्रेट करवाता है पैनक्रिया से, क्या सिक्रेट करवाता है, वाटर एंड बाइकार्बोनेट। तो गैस्ट्रिन वहीं सिक्रेट हुआ पास में, और पास में उसने क्या कर दिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट कर दिया। तो उस प्रकार के हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं लोकल, सेम शहर में रहते हैं, ठीक है, लोकल ग्रोथ हार्मोन, कहाँ पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, टांगों की बोन को भी लंबा कर रहा है। कितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया, सोच के देखो। तो ऐसे हॉर्मोन्स को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेटिंग हॉर्मोन या फिर एंडोक्राइन हॉर्मोन्स।